देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, कॉबेट बुलेटिन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं हिना इकबाल खान। चलिए बात करते हैं आज की खास खबरों की। खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी के गोलापार ग्रामीण क्षेत्र में नकायल गांव के समीप एक सूखी नदी है, जो कि बरसात के समय उफान में आ जाती है और जिसमें ग्रामीणों को आने जाने की काफी दिक्कतें होती हैं। नदी के आने के बाद कई बार इसमें ग्रामीण बह गए हैं और कई लोगों की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर 2013 में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि गोलापार के गांव नकायल में जल्द ही पुल का निर्माण हो जाएगा। लेकिन 2013 से 2021 तक अभी तक घोषणा के बाद भी पुल का निर्माण नहीं होने से नाराज आज गोलापार के लोगों ने बुद्ध पार्क के अंदर राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन और प्रदर्शन किया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हमारी गोलापार की स्थिति इतनी बुरी है, ना तो वहां पर सड़कें हैं ना ही कोई पुल, क्योंकि जब बरसात आती है तो हम लोगों को 15 से 20 दिन तक घरों में ही रहना पड़ता है, क्योंकि नदी में पानी आ जाने के कारण ना तो बच्चे स्कूल जा पाते हैं और ना ही हमारे परिवार वाले कोई कामकाज के लिए निकल पाते हैं। 2013 में मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई थी कि हल्द्वानी के गोलापार के गांव नकायल में सूखी नदी में जल्द ही पुल का निर्माण हो जाएगा और लोगों की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। लेकिन 2013 से लेकर अब तक ना तो ही पुल का निर्माण किया गया है और ना ही सड़कों की हालत ठीक की गई है। केवल चुनाव आने पर वादे करते हैं, इसी से नाराज आज हम लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की है। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से संवाददाता समी आलम की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। ऐसी ही छोटी बड़ी देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। मैं तनुजा पांडे, ग्राम प्रधान, ग्राम सभा लक्ष्मपुर। हमारा गांव नकायल, हमारे गांव में मेन समस्या रोड और पुल की है, जिसको लेकर आज सारे ग्रामवासियों ने इस बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन किया है। काफ़ी समय से संघर्ष करने के बाद भी हमें कोई मतलब उम्मीद नहीं हुई है, इसलिए आज फिर से दोबारा ग्रामवासियों ने इस बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन किया है। क्या कहना चाहते हैं, मतलब धरना प्रदर्शन कब तक करेंगे आप? हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम तब तक धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इतने मतलब शहर से नज़दीक होते हुए हमारे गांव को आज तक किसी पार्टी ने नहीं देखा है, और जिसकी वजह से हमें बरसात आते ही अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाँ, तो सड़क कितनी सरकारों से गुहार लगा चुके हैं? इसलिए जितनी भी सरकारें, ये पहले तो कांग्रेस की सरकारें रही थी और उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार भी रही थी उत्तर प्रदेश में, बसपा की सरकार रही थी, उनसे भी टाइम पर भी ये मांगे रखी गई थी, और उत्तराखंड बनने के बाद 2000 के बाद जो है दोनों बीजेपी की सरकार और कांग्रेस की सरकार, दोनों सरकारों में जो है ये मांग रखी गई है, बहुत पुरानी मांग है। आपको मुख्यमंत्री द्वारा भी इसमें कुछ वादे किए गए थे, वो पूरे नहीं हुए, क्या रहा? मुख्यमंत्री माननीय विजय बहुगुणा जी ने 2013 में इसका शिलान्यास भी करवाया था और उन्होंने कहा था कि हम बहुत जनता की समस्या को देखते हुए हम बहुत अति शीघ्र जो है इसके पुल और सड़क का निर्माण इसमें करवाएंगे। इसमें करीब 3 किलोमीटर के सड़क है और इसमें एक जो सूखी नदी बीच में पड़ती है, तो उससे जो है चातुर्मास में तो बहुत ज़्यादा खतरा आ जाता है, और वहाँ से आने वाले जो बच्चे हैं इधर स्कूल में आते हैं, वह ये प्राइमरी से लेकर के इंटर तक के, उनके लिए जान का भी खतरा बना रहता है। कहीं सरकार उपेक्षा कर रही है आप लोग की? ऐसे लगता है कि भाई सरकार अगर उसमें जो है अगर ध्यान देती इस बात, तो एक छोटा सा काम है इसके लिए, सरकार के लिए बहुत छोटा काम, 3 किलोमीटर पुल और एक। इस बार चुनाव में क्या करेंगे आप? अब चुनाव में तो ये देखिए साहब, नाराजगी काफ़ी है, अभी तो ये कह रहे हैं कि हम नहीं तो बहिष्कार कर देंगे चुनाव का। अब वैसे देना तो चाहिए, अब लोग तो तैयार नहीं हो रहे हैं, ये इसके नाराजगी काफ़ी है, बहिष्कार भी करने के लिए तैयार।